I'll let you you understand understand with an example so that you can understand it in a better way। से मकान को बनाना स्टार्ट करोगे नहीं ना अगर आपने सीढ़ियों से ही स्टार्ट करा तो जब आपका मकान मालिक आपका ये कारनामा देखेगा वो आपके इस काम को रिजेक्ट करेगा और साथ साथ तो आपको वो धक्के मार के बगाएगा तो तभी तो जब आपको मकान को बनाना होगा आपको सबसे पहले बेड बनाना होगा और अकॉर्डिंगली जो भी नेक्स्ट स्टेप्स होंगे मकान को बनाने के लिए वो आप लोगे इज इन वैसे ही एक रिसर्चर को रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप्स लेने होते हैं तभी वो एक रिसर्च को कंप्लीट कर सकेगा तभी उसको एक्सेप्ट करा जाएगा नेक्स्ट पॉइंट में हमें ये पता चलता है कि रिसर्च मेथोडोलॉजी साइंस की वो स्टडी है जिसमें हम एक रिसर्च को करने के लिए साइंस के प्रिंसिपल्स और मेथड्स को अपनाते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी में हम किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स पढ़ते हैं और ये वो स्टेप्स होते हैं जो एक रिसर्चर अपने रिसर्च प्रॉब्लम को स्टडी करने के दौरान अडाप्ट करता है यहाँ पर सबसे अहम बात याद रखने को ये है कि हर एक स्टेप के पीछे रिसर्चर को लॉजिक होना चाहिए कि उसने अगर कोई स्टेप अडॉप्ट करा अपनी रिसर्च प्रॉब्लम में तो क्यों करा ऐसा नहीं है कि आपने कोई स्टेप लिया है और आपको पता ही नहीं है कि क्यों लिया है तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी होगी जब भी आप रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व करने का इरादा करोगे अब आप अगर रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो आपके कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, यानी कि आपको कुछ चीज़ों का नो हव होना बहुत जरूरी है आप थोड़ी ही ऐसे ही जाओगे ये थोड़ी ही कोई मजाक है उन चीज़ों में आपको इंडाइसिस और टेस्ट को डिवलप करना आना चाहिए आपको मेन मोड मीडियन स्टैंडर्ड डिविएशन और काइस्यर को कैलकुलेट करना आना चाहिए और साथ साथ आपको हर एक टेक्निक को पर्टिकुलर सिचुएशन में अप्लाई करना आना चाहिए यानी कि ये सभी टेक्निक जो है इंडाइसिस टेस्ट मेन मोड जो भी है ये आपको अपने मकसूद जगह पर इस्तेमाल करना आना चाहिए रिसर्चर्स को ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी टेक्निक या मेथड आपके रिसर्च प्रॉब्लम के रेलिवेंट हैं अगर आपने इरेलीवेंट मेथड या टेक्निक यूज़ करी तो आप कभी अपने रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं जहाँ कहीं आपको लगे कि आपको मेन मोड या मीटन वाला मेथड यूज़ करना है तो आप वहाँ वही वाला मेथड यूज़ कीजिए और जहां कहीं आपको लगे कि आपको काइ स्केर यूज़ करना है तो आप वहां वही वाला अप्लाई कीजिए और साथ साथ आपको यह भी जानना है कि अगर आपने अपने रिसर्च प्रॉब्लम में कोई भी रिसर्च मेथड या टेक्निक यूज करा है तो वो मेथड या टेक्निक उस रिसर्च प्रॉब्लम में क्या माना दिखाता है और वो क्या इंडिकेट करता है यानी वो टेक्निक हमें क्या दिखाने की कोशिश करता है जब हम रिसर्च मैथोलॉजी की बात करते हैं तो हमें बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिलते हैं तो कौन से हैं वह क्वेश्चंस चलिए देखते हैं चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाई ए रिसर्च स्टडी हैज बीन अंडरटेकेन यानी कि आपने रिसर्च स्टडी को क्यों शुरू करा है आपका क्या मकसद है रिसर्च स्टडी को शुरू करने का नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ द रिसर्च प्रॉब्लम हैज बीन डिफाइंड यानी आपने रिसर्च प्रॉब्लम को कैसे डिफाइन करा है अगला क्वेश्चन है इन व्हाट वे एंड वाई द हाइपरथीसिस हैज बिन फार्म्यूलेटेड यानी कि आपने किस अंदाज से और क्यों हाइपर थीसिस को फार्मूलेट करा है नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डेटा हैज़ बिन कोलेक्टेड एंड वट पर्टिकुलर मैथड हैज़ बिन अडोप्टेड यानी कि आपने किस तरह का डेटा कोलेक्ट करा है और आपने कौन सा मैथड अप्लाई करा है अपने रिसर्च प्रॉब्लम में एंड द लास्ट क्वेश्चन इज why particular technique ऑफ एनालाइजिंग डेटा has बीन used. That means आपने क्यों एक पर्टिकुलर टेक्निक अपने रिसर्च प्रॉब्लम में यूज करा है और जब भी हम रिसर्च मैथडोलॉजी की बात करते हैं तो हमें इस तरह के और भी सिमिलर क्वेश्चन के एंसर्स मिल जाते हैं सो गाइज होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो डू कॉमेंट लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल